हंगरी फूड फटाफट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अपना मटन हांडी। तो जिसके लिए 1 किलो मटन है, 1 किलो प्याज है और तेल गरम करके हम रखे हैं, नमक है, लहसुन है, 6 गो पोट है, ये मसाला में है, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च है, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर और मीट मसाला है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। फ़ौरन देने के लिए मिर्ची, चटपत्ता, जीरा, इलायची, छोटी इलायची है, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री और फूल है। अब हम सबसे पहले मटन में प्याज को मिलाएंगे। इसमें मैं हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा और खड़ा मिर्च डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम डाल रहे हैं मीट मसाला, दोनों पैकेट। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। अब हम इसमें पकाया हुआ तेल डाल रहे हैं। अब हम इसको मिला लेते हैं अच्छे से। अब हांडी में मैं इसमें थोड़ा पकाया हुआ तेल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें फोरन डाल रही हूँ। अब मिर्ची डाल रही हूँ, ये दालचीनी, जावित्री, फूल, लवंग, इलायची, बड़ी इलायची, चटपत्ता। अब ये फोरन जल चुका है, अब मैं इसमें मटन डालूंगी। ये मैं मीट चूल्हे पर बना रही हूँ, तेल डालिए क्योंकि 1.5 घंटे इसको रहना है, तो 1.5 घंटा में ये थोड़ा जलने का डर है, इसलिए तेल ज़्यादा करके डालें। अब मैं इसमें गोटा लहसुन डाल रही हूँ। ना मटन हांडी में लहसुन बहुत टेस्टी लगेगा। अब मैं इसको मटन को पैक कर दूँगी, ढक्कन रख दी मैं, इसको आटा से चिपका देंगे इस तरीका से। ढक्कन को मैंने अच्छे से पैक कर दिया आटा से और आँच को धीमा कर देंगे बिल्कुल, और 1.5 घंटा के लिए पकाएंगे। 1.5 घंटा में ही मटन जो है पक के तैयार होंगे। इसको 15 से 20 मिनट में एक बार इसको हिला लेने का कोशिश करेंगे, इस तरीका से इसको हिला देंगे तो चिपकेगा नहीं। 15 से 20 मिनट में एक बार हिला लेंगे। 1.5 घंटा हो गया, अब मेरा हांडी मटन तैयार हो गया है। अब मैं इसको बंद करती हूँ गैस, खोल के अब इसको देखते हैं। मैं इसको अब खोल रही हूँ। ये देखिए मैं खोली हूँ, तो इस तरीका से अभी उबाल आ रहा है कुछ ठंडा हो जाने पर,
बाल बंद हो जाएंगे। अब इसको देखते हैं सिंझा कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल सींच कर रेडी हो चुका है।